बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे मूवी. इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. और बहुत टाइम के बाद करण जौहर इज़ बैक. मतलब करण जौहर को का डायरेक्शन देख के इतना अच्छा लगा. वो ग्रैंड सेट्स और वो वंडरफुल प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है मनुष्य नंदन की. और उसके साथ साथ एडिटिंग भी बिल्कुल ठीक है. कहीं हम लोग बोर नहीं हुए नितिन बैद की जो एडिटिंग है. और सभी किरदार आलिया भट्ट रणवीर सिंह बोथ ऑफ देम आर माइंड ब्लोइंग फिनोमिनल. और उसके साथ साथ जितने सीजन एक्टर्स हैं जया बच्चन जी धर्मेंद्र जी शबाना आजमी जी. फिल्म की स्टोरी बहुत डिफरेंट है. म्यूज़िक बहुत धमाकेदार है प्रीतम का. तो तुम क्या मिले गाना हो या फिर झुमका या फिर ढिंडोरा बहुत अच्छे से शूट किया गया है. और सरप्राइज एलिमेंट जो ये मूवी का था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डोला रे डोला पे रणवीर सिंह ने डांस किया. तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा लगा लेकिन सेकेंड हाफ तो कोई और ही लेवल पे चला गया. इतना 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 ज़्यादा अच्छा लगा. मतलब ऑल इन ऑल इट्स अ मस्ट वॉच. मतलब आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए. इट्स अ फैमिली एंटरटेनर और बहुत इन्जॉय करेंगे आप. उनका छोटा सा रोल है कि ऐड में आए हैं. इतना कुछ ये नहीं है. बहुत सारे मैसेजेस हैं. सोशल मैसेजेस से भरी हुई है ये मूवी. कि अगर एक लड़का क्लासिकल डांस करता है तो वो मुजरा नहीं है. या अपनी फैमिली के रिलेशनशिप्स को कैसे संजो के रखें. या अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो कैसे प्रेम से रहें, कैसे एडजस्ट करें. बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं. मैं दूंगा 4 स्टार्स. मूवी बहुत अच्छी है. फैमिली एंटरटेनर है. लर्निंग है न्यू जनरेशन के लिए. क्योंकि जो एम्बिशियस यंग जनरेशन फैमिली को उतनी वैल्यू आजकल नहीं दे पाते हैं, उसको अपने कैरियर के साथ और अपने लाइफ के गोल के साथ और कैसे मेंटेन करना है वो चीज़ इसमें दिखाया. नो डाउट करण जौहर की मूवी में तो म्यूज़िक बहुत अच्छे रहते हैं. मतलब म्यूज़िक ऐसे 3 से 4 गाने बहुत दिन के बाद किसी मूवी के अच्छे लगे. मैं तो उनको जज नहीं कर सकता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि उनके सामने ये मूवी इतने हर जगह एक बांध के रखी है. आप उसको छोड़ नहीं सकते बीच में. दोनों फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों अच्छा है. फर्स्ट हाफ एंटरटेनर है, सेकेंड हाफ इमोशनल है. वो तो एवरग्रीन हमेशा अच्छी लगती है. दोनों एनर्जेटिक है, दोनों का एक्सप्रेशन बेस्ट रहता ही है. हाँ, मैं ये ऑडियंस को ये ज़रूर बोलूँगा कि आप फैमिली के साथ दोस्त के साथ ये पिक्चर किसी के साथ भी देख सकते हो. और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको लाइफ में काम के साथ साथ एम्बिशन को कैसे मैनेज करना है ये आपको सिखा सकती है. 4. सी फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है. डायरेक्शन कमाल है, परफॉर्मेंसेस कमाल है. स्पेशली आलिया एंड रणबीर दे वर ऑसम इन द फिल्म. बट मेरी प्रॉब्लम हो रही है फिल्म के स्क्रीन प्ले से जो कि सेकंड हाफ में ठहर गया है. एक वर्ड होता है हमारी लैंग्वेज में कन्वीनियंट स्क्रीन प्ले, कि जब जो प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन पहले से रेडी है. रियल लाइफ में हमको वैसे सोल्यूशन नहीं मिलते हैं जो इस फिल्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम बाद में आती सोल्यूशन पहले से खड़ा है. तो वो फिल्म को ड्रैग करता है. हालांकि फिल्म के डायलॉग्स ए ग्रेड है, वर्किंग हैं, फनी हैं. एंड जहाँ इमोशनल डायलॉग्स की जरूरत है वो बहुत ही कमाल डायलॉग्स हैं. करण जौहर जब होता है तो फिल्म का मैग्नम ओपस होना, लार्ज स्केल होना बहुत छोटी बात है आई बिलीव. और वो उन्होंने किया है, जो कि मैं पब्लिक को बेसिकली एक हिंट देना चाहता हूँ कि फिल्म के फर्स्ट गाने में ही 3-4 आपको गेस्ट अपीयरेंस मिलेंगी और बहुत सेक्सी गेस्ट अपीयरेंसेज है. बड़ी कमाल लग रही है फिल्म. और रही बात बड़े एक्टर्स की तो सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया है. स्पेशली आई वुड से आलिया एंड रणवीर अगेन बिकॉज दोनों ने पहले फ्रेम से ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री उनके अंदर बसी हुई थी. यार दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर थे. फिल्म मुझे देख के कहीं ना कहीं लगा कि दीपिका रणबीर कपूर को बुरा भी ना लगे बिकॉज केमिस्ट्री की कैच थी. सी वेरी फ्रेंकली वो मुझे समझ ही नहीं आया क्रॉस कल्चर कहने को फिल्म में, लेकिन क्रॉस कल्चर का फील आया ही नहीं फिल्म में.
हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा थ्रेट क्रिएट होगा, दोनों फैमिलीज में कुछ इश्यू होंगे, लेकिन पहले फ्रेम से समझ में आ रहा है कि बंगाली फैमिली को वो ऐसे मना लेगा जो मना भी लेता है, और उधर जाके ऐसा लगता है कि आलिया के लिए बहुत आसान था, सबको कन्वीनियंटली मनाते जाओ, वही जो कन्वीनियंट स्क्रीन पे की प्रॉब्लम है कि हर फ्रेम में ऐसा लग रहा है वो मना लेगी और वो मना भी लेती है, जबकि ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में बॉस। अगर आप बड़े लोगों की बात करें या प्रॉब्लम्स की बात करें तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती है। तो जया बच्चन का जो एक ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्रिएट हुआ, वो बिल्ट नहीं क्रिएट कर पाई, एंड वेरी वेरी बैड एक्शन बाय जया बच्चन, आई एम सॉरी, शी इज अ वेरी सीनियर एक्टर, बट बॉस पंजाबी नहीं बोलनी आती उनको, तो मत बोलो यार, सिंपल हिंदी बोल लो, हल्का एक्सेंट चलेगा, बट गलत पंजाबी मत बोलो। ओवरऑल कहानी बहुत सुपर थी, डायलॉग्स बहुत कमाल थे, स्टोरी का एक आइडिया ही बहुत कमाल है, हालांकि आई स्टिल बिलीव कि सौदागर से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, बिकॉज उसमें लड़की वहाँ चली जाती है, लड़का वहाँ आ जाता है, ये वही कहानी है। और मैंने सुना है कि सलमान खान भी इस पर फिल्म बनाने वाले थे, और अब जाके इस पर इन्होंने 2023 में फिल्म बनाई है। फिल्म की स्टोरी अगेन बहुत कमाल है, लेकिन स्टोरी अकेली कुछ नहीं कर सकती है, विल नॉट हैव अ गुड स्क्रीन प्ले और द डायलॉग, डायलॉग्स आर वेरी गुड, प्रोडक्शन वैल्यू सुपर्ब है, म्यूजिक कमाल है, बट स्क्रीन प्ले बॉस इट्स 2.5 स्टार, एंड आधा स्टार आलिया भट्ट के लिए, यानी कि 3 स्टार, बिकॉज आलिया बहुत खूबसूरत लगी है, कमाल लगी है, हालांकि करण जौहर ने रणबीर को भी बहुत अच्छा दिखाया है, एंड फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू रणबीर इज ऑल्सो लुकिंग वेरी सेक्सी। देखिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख के आज का दिन सुधर गया ऐसा लग रहा है, सुबह 8 बजे का शो, इतना बारिश, छाता लेके निकलना पड़ा, उसके बाद भी पिक्चर में बहुत मजा आया। सर इस पिक्चर्स में बहुत ऐसे देखिए जितने स्टार हैं ना, सबको अलग अलग तरह का रोल दिया गया है, करण जौहर इसमें माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्सेप्ट बॉलीवुड के पास बहुत है, लेकिन न जाने क्यों अभी हम लोग साउथ में से डबिंग करने लग गए हैं। इस पिक्चर ने ये साबित किया कि बॉलीवुड के पास अभी भी अच्छी स्टोरियां है। देखिए उसकी जो 2-3 पिक्चर पुरानी आई थी ना, उसी तरह का थोड़ा थोड़ा थीम है, लेकिन उससे कोई मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है। सर इस फिल्म में काफ़ी कलरफुल एंड लोकेशन बहुत बढ़िया दिखाई दिया, आपने कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। देखिए बंगाल का कल्चर बताया, तो वो कथक नृत्य बताया, तो उसका घर बताया, घर में फूल और दिखाए, एक अलग तरह का माहौल बंगालीज का होता है, एक अलग तरह का माहौल पंजाबीज का होता है, दोनों को डिफरेंट तरीके से दिखाना बहुत अच्छी बात। आलिया और रणवीर की बात करें, उन दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? देखिए हमको तो अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री याद आ गई, सिलसिला बोलिए और जो पुराने पिक्चर थे ना वैसी सेम इसमें बनाई है। सर ओवरऑल इस मूवी को आप कितने स्टार देना चाहेंगे? ओवरऑल इस मूवी को देखिए एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, लास्ट में थोड़ा रुलाता भी है, हंसाता भी है, सब कुछ है, इसलिए 4.5 स्टार दूंगा। मैसेज में देखिए जमाना बदल रहा है वो इसने ये बताया, करण जौहर का इसका थीम मेरे को ये लगा कि जमाना बदल रहा है, अब हम पुराने जमाने और पुराने रूढ़ीवादी से नहीं चल सकते, आलिया ने नया रोल जो किया है वो सीखने लायक। थैंक यू। प्रेम कहानी फिल्म देखकर आ रहे हैं आप, कैसी लगी फिल्म? बहुत प्यारी लगी, बहुत मजा आया। रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? उनको देखने का इंतजार रहता है, बड़े स्टार्स को देखने का इंतजार रहता है स्क्रीन पर, क्योंकि गली बॉय देखी थी तो उनकी केमिस्ट्री तो उसमें भी बहुत अच्छी थी, और इस टाइम भी काफ़ी टाइम बाद फिर से जब से आफ्टर कोविड उन इतने लाइक बड़े स्टार्स, बहुत फुल बॉलीवुड पैक मूवी जिसमें लव ड्रामा इमोशन एंगर सैडनेस सब कुछ है, तो वो काफ़ी टाइम से देखना था जो कि इस मूवी ने पूरा किया। अब मिस्टर मतलब करण जौहर सर की मूवी है, ग्रैंड ही होगी तो लोकेशंस भी उनकी अच्छी होती है, उनकी मूवी मतलब ग्लैमरस मूवी, सो आई नॉट अलॉट। इस फिल्म में बहुत ऐसे स्टार भी हमें दिखाई दिए, बहुत ऐसे टीवी एक्टर भी दिखाई दिए, मुझे सबकी केमिस्ट्री अच्छी लगी। मैं बॉलीवुड का फ़ैन हूँ तो इसलिए मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो आता हूँ,
सो वो केमिस्ट्री अगर देखा, हाँ धर्मेंद्र सर, शबाना आजमी, इनकी केमिस्ट्री काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली और एक फ्रेशनेस होती है काफ़ी टाइम बाद जब आप अपने बड़े बड़े अपने दिग्गज कलाकारों को स्क्रीन पर देखते हो तो उसका एक अपना मज़ा होता है जिसमें आप खो जाते हो बस कि वंडरफुल। मैंने अभी जैसा कि उधर भी कहा कि एक मूवी आई थी 2001-2 में कभी खुशी कभी गम, आई डोंट नो द एग्जैक्टली ईयर, और अभी 2022 में आई है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो ये जो टाइम स्पैन है, ये जो इतना बड़ा वक्त है, उसमें जो बदलाव हुए हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया बदली है और जो आज चल रहा है उस चीज़ को लेकर, वो इस मूवी में दिखाया गया है। रिश्तों को लेकर, इज्जत को लेकर, समाज को लेकर, एवरीथिंग इज़ हियर। 4 स्टार देना चाहूँगा। एक स्टार बस मैं इसलिए नहीं देना चाहूँगा, एक कुछ गाने जो है ना, एक गाना मेरे को बस थोड़ा सा ऐसा लगा, जस्ट बीच में आया था, मैं लिरिक्स नहीं याद नहीं हो जाए, लिरिक्स याद नहीं, बट बीच में एक गाना आया था, आई डोंट नो सिंगर ऑल्सो। थैंक यू। फिल्म बहुत अच्छी है, देखने लायक है, फैमिली के साथ आप इस फिल्म देख सकते हो, और करण जौहर की फिल्म है तो ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने मिलेगा। फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे ना तो वो ऐसा एंटरटेनिंग है, और उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा इमोशनल भी है, तो मतलब करण जौहर की फिल्म है तो ड्रामा तो है ही है। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? आलिया भट्ट की और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने गली बॉय देखी थी तब भी मुझे पसंद आई थी, इसके लिए मैं आई थी क्योंकि इनकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस फिल्म में बहुत ऐसे सॉन्ग हैं और लोकेशन बहुत बढ़िया है, तो आपने कितनी इस फिल्म को एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा, स्पेशली दैट झुमका गिरा, ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है जो कि बहुत अच्छा था, और आधा तो वो उस आइकॉनिक सॉन्ग की वजह से लोग देखने भी आ रहे हैं, और रणवीर और आलिया की जोड़ी है तो बहुत अच्छी। इस फिल्म में कितने स्टार देना, इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? 3। थैंक यू सो मच। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म देखकर आ रहे हैं आप, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आई मीन ये तो अच्छी से अच्छे के अलावा कुछ शब्द होता तो मैं उसको एक्सप्रेस करता यहाँ पे। फिल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एक फिल्म में आप इंगेज हो जाओ और इतनी लंबी फिल्म में इंगेज हो जाओ तो उस फिल्म में कुछ तो है जो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है देखने का। रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री कैसी? रणवीर और आलिया, दे आर ऑलवेज फैंटास्टिक इन गली बॉय ऑल्सो, इफ यू कैन सी देर, बहुत अच्छा, आई मीन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जजमेंट नहीं दे सकते, वो अपनी जगह पे बढ़िया ही हैं और वो सबसे अच्छी हैं। सॉन्ग तुम क्या मिले इट्स लाइक वो नॉस्टैल्जिक फील ऑफ दैट बॉलीवुड जो हम मिस करते हैं एक्चुअली आजकल फिल्म्स में, ठीक है, द सिनेमेटोग्राफी, द विजुअल एक्सपीरियंस एक्चुअली जो हमें सिनेमा हॉल में ही मिल सकता है, एंड फिल्म्स लाइक धर्मा की, करण जौहर, यश राज फिल्म्स में ही मिल सकता है। सो स्टोरी की बात करें तो दो कास्ट दिखाया गया, तो आपको कौन से कल्चर अच्छे? कल्चर देखिए, कल्चरल पे तो मैं कोई वो नहीं कह, कौन सा कल्चर अच्छा है, हर घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज आई वॉन्ट से सबके विचार अलग अलग होते हैं, सेम कल्चर का कोई इंसान कुछ और सोच रहा होता है, सेम कल्चर का कोई इंसान कुछ और सोच रहा होता है, तो इट्स नॉट लाइक कौन अच्छा लगा, सब ने अपने उन्हें पॉइंट्स रखे हैं कि मेरी चीज़ अच्छी क्यों, मेरी चीज़ क्यों अच्छी है। लोग देखिए क्या कन्वेंस कर रहे हैं एक दूसरे को कि वाई थिंग शुड वर्कआउट, एंड आई थिंक कि पर्सनल लाइफ में भी यही होना चाहिए, थिंग शुड वर्कआउट, और हर पिक्चर एक मैसेज देते, तो दिस इज़ द मैसेज आई लर्न कि जब चीज़ें चल नहीं रही हों तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए चीज़ें काम कर जाएँ। तो ये फिल्म करण जौहर इज़ ऑलवेज, आई मीन इमोशन को डिस्प्ले करने में ही इज़ गॉड ऑफ दैट इन फिल्म मेकिंग, इमोशन को ऑलवेज, चाहे कोई भी फिल्म आप ले लो 3 घंटे की होगी, आई थिंक वो किसी दिन 4 घंटे की भी फिल्म भी बनाएंगे ना, देन यू वुड वॉन्ट टू सी दैट। एक्चुअली जया बच्चन का हमारे इमेज में, जैसे हम थोड़ा इंस्टा वगैरह पे देखते हैं, जो हमारे दिमाग में ही ऐसी निगेटिव सी, आई वुडंट से निगेटिव, बट एक वो डांटने मम्मी टाइप की, स्ट्रिक्ट मॉम टाइप की इमेज है ना, तो वो ऑफकोर्स एक कनेक्ट हो जाता है जैसा इंसान को आप पर्सनल लाइफ में देख रहे होते हो। धर्मेंद्र सर और शबाना आज़मी का, दे
यार, मतलब इन लोगों की कास्टिंग तो इट वॉज लाइक जो लोगों ने करना ही छोड़ दिया है आजकल, ठीक है, बट दिस शुड बी, क्योंकि हम धर्मेंद्र सर को जानते हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न पीपल डोंट कास्ट देम, ठीक है. अभी लास्ट हमने धर्मेंद्र जी को ताज में देखा था, बट इट वॉज मोर अबाउट नसीरुद्दीन शाह, ठीक है. तो यहाँ पे विद सम न्यू एक्टर्स जो हम लोग अपने बड़े होते होते देखे हैं, रणवीर सिंह को देखा है, फिर जो जिनके बारे में सुना है वो उनका कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एक्टर्स, दिस इज़ रियली, आई मीन एवरीवन वुड वांट टू सी दैट. कितने स्टार देना चाहिए? अरे ऑफ कोर्स 5, आई मीन मोर देन 5 इफ आई हैड टू.